तो आपका स्वागत है एनएस टेक्निकल गुरुचरण में। आज मैं आपको इस बोर्ड की वायरिंग करना सिखाऊंगा, जिससे इसका कोई भी नॉलेज नहीं है वो भी इस बोर्ड को बनाना सीख जाएगा। तो चलिए इस बोर्ड को बनाते हैं। तो हमें इसे बनाने के लिए सबसे पहले उसके कनेक्शन को समझना होगा। उसके लिए हमें दो वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये नीला वाला वायर फेस में चलाएंगे। इसमें देखिए, तो हमें इसमें पहले हम समझ लेते हैं, इसमें हम फेस के कनेक्शन करेंगे, जिससे हम जब बटन ऑन करेंगे तो ये कनेक्शन इस टर्मिनल में आके इसको मिल जाएगा। इसी तरह इस साइड भी होगा। तो हमें एक न्यूट्रल हमें दोनों में एक साथ दे देना है, तो न्यूट्रल इसे मिल जाएगा और फेस जो है हम इसे बटन के थ्रू देंगे। ठीक है, तो अब हम एक वायर ले लेते हैं, उसे इस बटन में लगा देते हैं कुछ इस प्रकार। देखिए, ये हम इसे नाप लेते हैं कितना लग रहा है ये। ठीक है, तो इसे हम इस बटन में लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे इस बटन में यहाँ पे लगा देते हैं। अब इस टर्मिनल के थ्रू हम इसमें कनेक्शन करेंगे, जिससे कि जब हम बटन को ऑन करेंगे तो इस टर्मिनल से करंट इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक और ब्लू वायर ले लेते हैं, उससे हम इसका कनेक्शन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसे हम इंसुलेशन को हटा लेते हैं पहले। अब एक वायर हमें यहाँ लगाना है बटन के इस पॉइंट पे, कुछ इस तरह इसे हम लगा देते हैं। तो फाइनली एक बटन का कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब इसी प्रकार हमें इस तरफ भी लगाना है, तो हम एक वायर यहाँ लगा देते हैं। दोस्तों, ये बोर्ड बनाना बहुत ही आसान है, आप बस इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए तो आप किसी भी प्रकार का बोर्ड बना सकते हैं। तो अब हम इसे नट को खोल लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं। तो हमने फाइनली इस फेस का कनेक्शन कर दिया है, ये हमने ऊपर बटन में कनेक्शन कर दिया, जिससे इस टर्मिनल में करंट आके इस पे आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। ये हमने ब्लैक वायर ले लिया है, इसे हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार इसे अब हम इसे इस टर्मिनल के साथ लगा देते हैं यहाँ पर। तो अब इस वायर को काट देते हैं यहाँ से और दोनों टर्मिनल को एक साथ जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बोर्ड आप, तो फाइनली हमने इसकी वायरिंग कर चुकी है। अब हम इसमें एक सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस पर एक होल कर लेते हैं, जिससे कि हम वायर को बाहर निकाल सके। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार लगेगा, इसलिए हम इस पर सोल्डरिंग आयरन की मदद से जी। अब हम इसमें इसके टर्मिनल को निकाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप और देख सकते हैं, वायरिंग आपको समझ आ जाएगी। स्क्रू की सहायता से इसे हम कस देते हैं। तो अब हम इसे हमने पूरा कस लिया। अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि सही वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे फाइनली कनेक्शन देते हैं। अब हम इसमें एक बल्ब को चालू कर देखेंगे। ये हमारा बल्ब है, पहले हम बटन ऑफ़ कर देते हैं, इससे बटन ऑन कर दिया है। तो देखिए, हमारा बोर्ड चालू हो चुका है, देख सकते हैं आप ये। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा।